हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज कौन सी बन रही थी भाई? बिजनेस स्टैटिक्स की, है ना। मैं पहले आपको बता चुका हूं भाई, बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो इस सीरीज को नहीं देख सकते, खाली बिजनेस स्टैटिक्स वाले लिए सीरीज है, ठीक है। चलिए, तो बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, आप सीरीज आप देख सकते हो आराम से। बस आपका जो सेमेस्टर है वो थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ होना चाहिए, बाकी तो सेमेस्टर मैटर नहीं करता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले भी हो, फोर्थ वाले भी हो, सिक्स्थ वाले भी हो, कोई भी देख सकते हैं। बस आपका जो याद रखना, बिजनेस स्टैटिक्स होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। तो हम शुरू करने वाले आज का पहला चैप्टर जो था, कलम ने स्टार्ट किया था, आज हम उसका करने वाले ग्राफिकल पार्ट, ठीक है। आज आपका पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इसके अंदर हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट था वो मैं पहले समझा चुका हूँ, एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, जाके फटाफट से देख के आइए। सिंपल, आज करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझा होगा तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। वैसे तो आपको पता ही है, पहले से आप स्टैटिक्स पढ़ते आ रहे हो बचपन से, है ना, तो आपको पता ही होगा सिंपल चीजें, क्योंकि स्टैटिक्स में ज्यादा खाली आपको कंसेप्ट समझना होता है, वो वैल्यू कितनी बढ़ा दे कोई फर्क पड़ता ही नहीं उससे, ठीक है। खाली कंसेप्ट समझ लो एक बार तो वैल्यू से फर्क मैटर ही नहीं करती, वो तो न्यूमेरिकल आराम से कर लोगे इसके। चलिए, तो वही सब चालू कर रहे हैं फिलहाल, अभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बारी है, तो ग्राफ्स बनाने सीखने हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। बस मैं डी लाना भूल गया, अगर डी ले आता तो फिर आपको आराम से समझा पड़ता पाई चार्ट भी, तो शायद पाई चार्ट समझाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करने से पहले अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा 100 या 200 रुपए के आसपास के नोट्स होते हैं, ठीक है। आप जो भी मिनिमम अमाउंट होगा चेकआउट करके परचेज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। हाँ जी, कोशिश करना कि व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। कॉल करने में कभी हम बिजी मिलेंगे, कभी आप बिजी मिलोगे तो हो सकता है कॉल ना लगे, ठीक है। हाँ जी, तो व्हाट्सएप करो, सबसे बेस्ट रहता है आपके लिए भी हमारे लिए भी। चालू करते हैं फिलहाल। हाँ जी, तो बिजनेस स्टैटिक्स कल हमने जो चालू किया था, थोड़ा सा एक बार उसको रिवाइज करता हूँ फिर चालू करते हैं। तो हमने बताया था जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। सीरीज जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली चीज सीरीज होती है इंडिविजुअल, है ना। दूसरी हमने सीरीज सीखी थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सीरीज होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है फ्रीक्वेंसी एरे। इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक वेरिएबल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 3 4 3 2, ऐसे कोई भी डाटा दे रखा आपको तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक वेरिएबल होता है और एक होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 3 4 5 ऐसे कुछ दे दिया, 1 2 9 4 ऐसे कुछ लिख दिया फ्रीक्वेंसी आपकी। दूसरी सीरीज होती है क्लास इंटर, वो कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है। क्लास इंटरवल जैसे कि 0 से 10 10 से 20 20 से 30 इस तरीके से, और फ्रीक्वेंसी 2 1 3 कुछ भी दे सकता है, मर्जी आप उसकी है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज भी। सिंपल भाई, चलिए। उसके बाद हमने सीखा था जो कंटिन्यूस सीरीज होती है इसके होते हैं 5 पार्ट। कितने पार्ट? 5 पार्ट। पहला एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरा इंक्लूसिव सीरीज, तीसरी होती है ओपन एंडेड सीरीज, ठीक है, और चौथी होती है सीएफ सीरीज यानी कंप्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, और लास्ट जो होती है वो होती है मिड वैल्यू सीरीज, ठीक है। चलिए, अब हमें सीखना है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी फॉर्म में अगर वो डाटा दे तो आप उस डाटा को कैसे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगर वो किसी भी तरीके से आपको डाटा दे तो आप ग्राफिकल फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। समझना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो मैं हर एक सीरीज के अंदर या फिर हर एक जो ग्राफ होते हैं वो आपको समझा दूंगा कैसे बनते हैं, तो आप आराम से कर पाओगे हर चीज। बस खाली कंसेप्ट समझना है आपके लिए, ग्राफ बनाना ईजी होता है। अब मैं छोटी छोटी वैल्यू लूंगा ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, वरना बड़ी बड़ी वैल्यू पॉइंटों में वैल्यू लेने का कोई फायदा नहीं अगर आपको कंसेप्ट ही समझ में ना आए तो। सिंपल सर, चलिए उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आप देख लोगे 5 चीज के जो क्वेश्चन होंगे उनमें मिल जाएंगे आपको सब चीजें। चलिए, तो बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। सबसे पहले सीरीज आती है इंडिविजुअल। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो समझो, इंडिविजुअल सीरीज। तो जो इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल होता है, तो इसमें जो डाटा होता है सारा का सारा वो ऐसे लिखा होता है 2 3 3 4 5 9 8 इस तरीके से। तो इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक ही वेरिएबल होता है, और ग्राफ बनाने के लिए केवल एक वेरिएबल पर ग्राफ मतलब बन ही नहीं सकता, कम से कम 2 वेरिएबल चाहिए ताकि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से किसी चीज को डिनोट कर पाओ। तो सीधी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंडिविजुअल सीरीज के केस में कोई भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई इंडिविजुअल सीरीज देता है तो या तो उस सीरीज को आपको चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर या फिर कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, वरना आप इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कोई भी ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं कर पाओगे। सिंपल इतना, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का ग्राफ बनाना खत्म, समझा, बहुत अच्छे, सिंपल था ना। बस ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है।
अगली सीरीज आती है फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, चालू करते हैं। टॉपिक का नाम आता है कौन सी, फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज या फिर जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज सिंपल होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें एक्स भी दे रखा है और एफ भी दे रखा है। एक्स में जरूरी नहीं है कोई आपको डाटा ही दे, कई बार एक्स के अंदर एरिया का नाम दे देता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे दिल्ली, मुंबई, ठीक है, इसकी जगह पे जैसे कि यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, ऐसा। तो 2, 3, 4, 5, 9 इस तरीके से डाटा देगा। या फिर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको कई बार, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल सीरीज, क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसको बोला जाता है जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जब यहाँ पे एक्स जो वेरिएबल है उसकी जगह आपको किसी जियोग्राफी के किसी एरिया का नाम, यानी किसी भी लोकेलिटी का नाम दे, तो उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सिंपल था, ठीक। दूसरी तरह की जो सीरीज होती है वहां पे एक्स की जगह जरूरी नहीं आपको खाली वही देगा डाटा, उसकी जगह आपको टाइम भी दे सकता है, जैसे कि 2011 का डाटा है, 2012 का डाटा है, 2013 का डाटा, 2014 का, मतलब 2014, 2015, इस तरीके का अगर डाटा दे रखे 29413, मान लो कुछ भी मान लेते हैं डाटा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे प्रेजेंटेशन दे रखी है तो इस, अरे भाई बाहर बहुत सारा शोर आ रहा है क्योंकि भाई अभी भी छुट्टी हुई बच्चों की, तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा अगर आपको समझ में आ रहा है, नॉइस कैंसिलेशन लगा दूंगा मैं वैसे, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी भी छुट्टी हुई, ठीक है, समझो ध्यान से। तो अगर आपको डाटा ऐसे दे रखा है जहां पे आपने लिख रखी है टाइम वैल्यू, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन। क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन क्या बोला जाता है, क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन। अगर इसी की जगह पे डिस्क्रीट सीरीज आपको दे रखी है और वहां पे दे रखा है नंबर्स, जैसे कि एक्स और एफ, जैसे कि मैंने उसमें दे रखा था आपको 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से कोई नंबर दे रखा है, 2, 9, 5, 6, 4 ज्यादातर ये नंबर यूज होता है किसी की हाइट बताने के लिए कि 3 फुट का इंसान है, 4 फुट का, 5 फुट का, 6 फुट का इंसान है और 7 फुट के इंसान कितने हैं, इस तरीके से हाइट बताने के लिए, या फिर किसी की एज बताने के लिए कि मतलब कि 3 साल का कोई, 4 साल का कोई, 5 साल का, 6 साल का, ऐसे, या फिर क्लास बताने के लिए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरीके से अगर कोई भी डाटा बताने के लिए कोई दे रखा है डाटा, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन, क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन, सिंपल। चलिए अच्छा, इसके बाद अगला जो डाटा आता है सेम ऐसा ही लिखेगा, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज बढ़ जाएंगी, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उसमें वैरायटीज आ जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, योगे फोर्थ क्लास, योगे फिफ्थ क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग दे दी, जैसे बॉयज के और गर्ल्स के नंबर दे दिए कि बॉयज 2 हैं और गर्ल्स 5 हैं, यहाँ पे 7, 3, 2, 4, 9, 1, 2, 5, 6 इतना बोलते, ठीक है भाई। तो अगर आपको अगर आपको कोई इस तरीके से डाटा दे रखा है तो इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव मेथड या फिर क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन, क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन, सिंपल। हाँ जी, तो ये 4 तरीके होते हैं जिस तरीके से आप किसी भी डाटा को प्रेजेंट कर सकते हो, बस आपको याद रखना है यहाँ पे कोई एक वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ पे कोई एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये सारी की वैरायटी की किसकी होती है, डिस्क्रीट सीरीज की या फिर फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज की, सिंपल है। अब इन सब का आपको बनाना है कि डायग्राम कैसे बनता है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का इन सब का केवल एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं बार डायग्राम्स, क्या बोलते हैं, बार डायग्राम। ये कोई सा भी मेथड हो ये हमेशा यूज होगा, बार डायग्राम, किसी भी तरीके के डाटा दे दे और आप केवल और केवल क्या बनाओगे इससे, बार डायग्राम, इससे कोई और डायग्राम बनेगा नहीं। डायग्राम्स के और प्रकार होते हैं जैसे कि हिस्टोग्राम हो गया, पॉलीगन हो गया, लेकिन इसके अंदर केवल बार डायग्राम बनेगा। अब बार डायग्राम के अंदर क्या आते हैं, बार डायग्राम के भी अंदर ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। पहला ऑप्शन एक होता है सिंपल बार डायग्राम, दूसरा होता है मल्टी बार डायग्राम जो कि इसके केस में बनेगा, तीसरा ऑप्शन होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। हाँ जी, परसेंटेज वाला नहीं बता रहा, वो सेम ही होते हैं सब डिवाइडेड की तरह, ठीक है। अगला या बताऊं, छोड़ो, या फिर डेविएशन, डेविएशन बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम, चलो अभी फिलहाल ये सारे सारे टॉपिक है तो करने ही है, चालू करते हैं, ठीक है। ये 4 डायग्राम आपको सीखने हैं, समझ में आ गया, चलिए समझते हैं इन सबके बार डायग्राम कैसे बनेंगे। बार डायग्राम नॉर्मल वाले में सिंपल बार डायग्राम सीखते हैं, सिंपल बार डायग्राम कैसे,
सिंपल पैराग्राम जो बचपन से लेके आप अभी तक सीख के आए हो उसको बोलते हैं सिंपल पैराग्राम, जैसे कि जीरो एक्स और वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एरिया, और यहाँ पे हम दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी जो भी दे रखी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे को 9 दे रखी है, तो मैं दो दो गैप लेके 9 तक कर लेता हूँ, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब चालू करते हैं। सबसे पहले रखा है दिल्ली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो पॉइंट है ये किसका है, दिल्ली का। दिल्ली में आपको बनाना है 2, यानी कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ बन गई। मुंबई, मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है, 3 करोड़। भाई ये अजम्पशन बेस्ड लिया है मैंने, कोई ऐसा फिक्स नहीं, कभी बोलो कि ऐसा नहीं हो सकता भैया, ये रहा मुंबई, ठीक है। उसके बाद यूपी की पॉपुलेशन 4 है, तो ये रहा यूपी, यूपी की पॉपुलेशन 4, यानी कि थोड़ा सा ऊपर इस लाइन के बराबर, ठीक है भाई, हाँ जी 4। एपी की पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश की कितनी, 5, तो ये रहा एपी की पॉपुलेशन, और इसकी बनानी है 5 आपको। उसके बाद कह रहा है हिमाचल की पॉपुलेशन 9, ये रहा हिमाचल, और इसकी पॉपुलेशन ले जानी है 9 पे। भाई मेरे हिसाब से तो ऐसे दिख रहा है मेरे को, 9 इनके बीच में होगा, इस वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ ऊपर नीचे दिखा, क्योंकि आपका एंगल थोड़ा सा अलग टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना, तो फिर क्या पता आपके हिसाब से कुछ अलग दिख रहा हो, ठीक है, तो मेरे को बोलना मत, मैंने उस हिसाब से बनाया, ठीक है, नौ प्रोपगेशन के हिसाब से। चलिए सिंपल, तो इसको बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम, अगर आप इस फॉर्म में बनाते हो, ये जरूरी नहीं है बनाना, ठीक है भाई। तो इसको बोला जाता है सिंपल बार डायग्राम, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आप बचपन से बनाते आ रहे हो। भैया बार डायग्राम और एक हिस्टोग्राम हमने सीखा था, उसमें डिफरेंस क्या होता है, आने वाले टाइम में बताऊंगा सर डिफरेंस क्या होता है, अभी बता दो। लो भाई अभी बता देता हूं, ये जो डिफरेंस होता है बार डायग्राम में और हिस्टोग्राम में, देखिए जो बार डायग्राम होता है वो यहाँ पे ना हर बार के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होता है, एक बार और दूसरे बार के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन जो हिस्टोग्राम होते हैं वो पूरे एक दूसरे से सटे होकर बनते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे से मिलके बनते हैं, समझे, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस होता है दो बार्स के बीच में, लेकिन वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता। अभी चलते हैं मल्टी बार डायग्राम। मल्टी बार डायग्राम मैंने बताया इसके केस में बनता है जहां पे फ्रीक्वेंसी की जो वैरायटी होती है वो अलग तरीके की आ जाती है, फ्रीक्वेंसी की वैरायटी अगर अलग तरीके से तो फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम बनता है। चलो एक और वैरायटी ले लेते हैं, तीसरी वैरायटी टोटल की, तीन का टोटल कितना है, जैसे फर्स्ट क्लास में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं, 5 गर्ल्स 2 बॉयज, यानी टोटल मिला के 7, 7 और 3 कितना हो गया, 10, 2 बॉयज 4 गर्ल्स यानी कि 6, 9 और 1 10, और 5 और 2 7। सिंपल, तो हम तीन वैरायटी लेके चलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर मल्टी बार डायग्राम बनाने के लिए। चलिए जी, तो बनाते हैं मल्टी बार डायग्राम। तो मल्टी बार डायग्राम के लिए कहा गया, हाँ जी शुक्र है, हाँ जी, ये 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चलो बोलते हैं, तो ये रहा, यहां पे मैं दिखाऊंगा नीचे क्लास कौन से वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होता है एक्स की वैल्यू पे वो नीचे आता है। उसके बाद ऊपर दिखाएंगे हम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10 है ना, हाँ जी, तो 10 है, तो फिर हम दो दो के गैप लेके चल देते हैं फिर से। तो ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा इधर 6, ये रहा 8 और ये 10। भाई मेरे को पता है कि मेरे पास ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, बस खाली कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, ये रहा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे पहली क्लास, फर्स्ट क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, तो मैंने देखा ये रही फर्स्ट क्लास, ये रही सेकेंड क्लास इस तरीके से, और ये रही थर्ड क्लास, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में 2 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, यानी टोटल मिला के क्या है, टोटल मिला के 7 वो है। तो अगर मल्टी बार डायग्राम बनाना है, मल्टी बार डायग्राम देखिए कैसे बनता है, पहले 2 बॉयज बनाने, तो मेरे बन गए यहाँ पे 2 बॉयज, ये बन गया बॉयज का 2। उसके बाद गर्ल्स बनानी है 5, तो 5 गर्ल्स हैं, यानी थोड़ा सा ऊपर बनेगा डायग्राम इसका, तो ये बना रहा हूं मैं गर्ल्स का कॉलम, गर्ल्स का कॉलम मतलब इस तरीके से, समझे, ठीक। उसके बाद हमें ये बनाना है टोटल, टोटल कितना है 7, टोटल का भी कॉलम एक अलग, तो टोटल का कॉलम हो गया 7, 6 से हल्का सा ऊपर, ये रहा 7, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ जी। तो ये जो 7 वाला कॉलम है ये इससे मैच हो रहा है, ये 5 वाला जो कॉलम है ये इससे मैच हो रहा है, ठीक है, और ये 2 वाला कॉलम इससे मैच हो रहा है। सिंपल, इसको बोला जाता है मल्टी बार डायग्राम। मल्टी बार डायग्राम के अंदर बॉयज गर्ल्स और टोटल दिखाना है। अच्छा अगला वाला कैसे बनेगा, अगला वाला 7, 3 और 10 है सेकंड पे, तो यहाँ पे 7, 6 और 8 के बीच में 7, तो ये रहा 7। उसके बाद 3, 2 और 4 के बीच में आता है 3, तो ये रहा 3, और उसके बाद 10 बनाना है, 10 मतलब पूरा ऊपर टोटल खींच के, ये बन गया 10। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बॉयज, ये दिखा रहा हूँ मैं गर्ल्स का, और ये रहा टोटल का हमारा, यहाँ पे बॉयज का, गर्ल्स का, और ये रहा टोटल हमारा। सिंपल, तो इस तरीके से ये बनता है मल्टी पार्ट डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बना लो यार, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत तो नहीं है ना, 2, 4, 6 की मैं बनाते जाऊँ बार बार आपके लिए, मेरे को पता है आप स्किप करके तो वैसे भी जाओगे आगे, क्योंकि आपको आ गया समझ में, तो 2 हो गया, अगली बार फिर 4 हो गया, अगली बार फिर मिला के दोनों का मिला के हो गया 6, तो 6 पे ये रहा, ठीक है, बॉयज का, गर्ल्स का, और ये गया टोटल। सिंपल ना, बस इस तरीके से बनता है मल्टी पार्ट डायग्राम।
सिंपल भाई, बस दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, यहाँ पे देखना बार के बीच में, यानी कि एक क्लास की जो बार है और जो दूसरी क्लास की बार है वो सेपरेट दिख रही होगी आपको, दोनों बीच में डिफरेंस रहेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा। जो हिस्टोग्राम रहता है, हिस्टोग्राम में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसे बनता है सट सट के। हाँ जी, इस तरीके से ऐसे, तो हिस्टोग्राम में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रहेगा किसी के बीच में, लेकिन यहाँ पे एक क्लास के बीच में और दूसरी क्लास के बीच में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलकर नहीं रहते, ठीक है भाई। हाँ जी, अब चलते हैं भाई सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड सेम इसी का बना देता हूँ मैं दोबारा से, सब डिवाइडेड बार डायग्राम वो थोड़ा सा अलग बनता है, इसे मैं दूं जिसको नोट करना है नोट कर, अच्छा इधर कर सकता हूँ। सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाते हैं, देखिए सब डिवाइडेड में बिल्कुल सिंपल है, सब डिवाइडेड में मतलब दो या दो से ज्यादा डाटा चाहिए, तो फिर ये वाला लेते हैं क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा डाटा लिखे हुए हमने। चलिए, तो यहाँ पे पहली क्लास, यहाँ पे दूसरी क्लास, यहाँ पे थर्ड क्लास, ये रही फोर्थ और ये रही फिफ्थ, फिर से 10 तक है ना, तो दो दो का डाटा, 2, 4, 6, 8 और 10। सब डिवाइडेड थोड़ा सा अलग होता है मल्टी पार्ट डायग्राम से, इसमें तीनों चीजें दिखानी है मगर अलग तरीके से। जैसे टोटल कितना है फर्स्ट क्लास का, 7, तो आप पूरा डायग्राम लेके जाओगे 7 पे, फर्स्ट क्लास का बन गया 7। इसमें से दो तो बॉयज है और 5 गर्ल्स, तो 2 बॉयज हो गए ये वाला, और बाकी जो बच गया गर्ल्स का एरिया हो गया 5। इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जो एक के ऊपर एक बनता है। यहाँ पे टोटल कितना है 10 सेकंड क्लास में, तो दूसरे पे ले जाना है 10, गिरा 10, ठीक है। हाँ जी, बॉयज के रहते हैं और वो 3 है, मतलब बॉयज कितने हो गए 7, मतलब ये रहा 7, तो ये रहा बॉयज का एरिया और ये रहा गर्ल्स का एरिया। चलिए, उसके बाद टोटल कितना है 6, अगले में कितना है 6, तो ये रहा 6, और उसके बाद 2 और 4 काटना है, तो ये रहा बॉयज का, ये रहा गर्ल्स का, अगले में कितना है 10, तो 10 बनाना है, ये रहा 10। हाँ जी, 9 और 1 पे, तो ये रहा बॉयज का और ये रहा गर्ल्स का, उसके बाद 2 और 5 पे 7, ये रहा 7, और उसके बाद 2 और 5 पे, तो 2 ये रहा बॉयज का और ये गर्ल्स का। सिंपल भाई, इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जो एक के ऊपर एक बनते हैं। सिंपल ना, आसान था, बस इसी तरीके से क्वेश्चन है जो आते हैं। डेविएशन, डेविएशन डायग्राम कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं डेविएशन डायग्राम की तरह, कि यहाँ पे दे दिया माइनस का 2 या फिर माइनस का 4 या फिर दे दिया यहाँ पे माइनस का 2। सिंपल, चलिए, तो डेविएशन क्या होता है, कोई अगर वैल्यू माइनस में दे रखी है तो आप डेविएशन डायग्राम बना सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक्स एक्सिस तो ठीक होती है नॉर्मल ऐसी वाली, लेकिन जो वाई एक्सिस होता है ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। चलो करते हैं, इस साइड क्लास देनी है तो क्लास में दे देता हूँ भाई 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में 2, 2 क्या 2, 4, 6, 8, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, बस 8 तक ही है, ठीक है। यहाँ पे 2, उसके बाद 4। चलो करते हैं, कह रहा 3 पे 2 फ्रीक्वेंसी है, 3 हाइट वाले कितने बंदे हैं, बस 2 बंदे हैं, ये रहा 4 पे -2, अच्छा हाइट की जगह हाइट माइनस में तो होती ही ना, तो क्या माने इसे, हो सकता है कोई भी डाटा हो, तो 4 माइनस में 2, तो 4 पे जाना है और -2 मतलब ये रहा डाटा। उसके बाद पांचवी क्लास में -4, पांचवी, अच्छा प्रॉफिट मान लेते हैं प्रॉफिट, तो पांचवी क्लास के बच्चों ने लॉस करवाया एक तरीके से, कितने का 4 रुपए का, पांचवी क्लास के बच्चों ने -4 का लॉस करवाया, -4 का प्रॉफिट, छठी क्लास के बच्चों ने 6 रुपए का प्रॉफिट कमाया, छठी क्लास के बच्चों ने ये रहा 6 रुपए का प्रॉफिट। सिंपल, सातवीं क्लास के बच्चों ने 4 रुपए का प्रॉफिट, सातवीं क्लास के बच्चों ने 4 रुपए का प्रॉफिट और ये खत्म। सिंपल भाई, इसको बोलती है डेविएशन बार डायग्राम। ये सारे थे बार डायग्राम और यहाँ पे खत्म होता है आपका बार डायग्राम वाला टॉपिक। अब इसके बाद हम करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का, फ्रीक्वेंसी अरे यानी कि डिस्क्रीट सीरीज खत्म हो चुकी है, अब हम करेंगे क्लास इंटरवल सीरीज। समझ में आ रहा भाई, बहुत अच्छे, आगे चले ना। यानी कि अगर कोई ऐसा डाटा आता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी एरे दे रखा है, मतलब एक वेरिएबल दे रखा है और दूसरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तब आपको इनमें से कोई सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, देख लेना जो भी वो बोले। सिंपल डायग्राम बोलता है तो सिंपल वाला, ये रहा सिंपल, दूसरा वो बोलता है मल्टी बाय डायग्राम तो मल्टी वाला, ये रहा मल्टी बाय डायग्राम, सब बाय सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, ये रहा, और अगर वो बोलता है डिवीजन तो डिवीजन में माइनस वाले में चले जाता है वैल्यू। सिंपल ना, इस तरीके से आप बाय डायग्राम कोई सा भी बोले वो बना सकते हैं। आगे चलते हैं भाई, और भाई जितने देर में टो रहा हूं फटाफट से, क्या कुछ नहीं, मोह माया, टाइम पास काटनी पड़ जाएगी, देखते हैं याद रही तो मिटो दूंगा टाइम पास पड़ा, ठीक है। छोड़ते हैं, अगला टॉपिक आता है भाई, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी एरे हो चुका है, अब सीरीज आती है कौन सी, कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर दो वेरिएबल, मतलब एक तो क्लास इंटरवल होता है और दूसरी चीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। चलिए अब, हाँ पाई चार्ट तो रह गया, पाई चार्ट तो रह गया, पाई चार्ट वैसे समझा दो ना भाई, ऊपर ऊपर से समझा जाएगा ना, क्योंकि पाई चार्ट हो सकता है लेकिन इतने बड़े लेवल पे तो आता ही नहीं पाई चार्ट, समझा देता हूँ वैसे क्या जा रहा है मेरा, है ना भाई, थोड़े से व्यूज बन जाएंगे, तुम्हें आता हो तो फिर स्किप कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसे स्पीड में देख रहे हो, का स्किप करो एकदम, समझिए
मान लेते हैं पाई चार्ट कैसे बनता है, डाटा वैसे ही देगा डिस्क्रीट सीरीज वाला, बस यहाँ पे लिख देगा कोई फैमिली के एक्सपेंसेस हैं या फिर कुछ भी है वो यहाँ पे दे देगा कि वो किस चीज में खर्चा करती है। जैसे कि कोई फैमिली है जो क्लोथ पे खर्चा करती है, क्लोथ पे कितना खर्चा करती है 360 रुपए का। कोई फैमिली है जो खर्चा करती है किस पे माने, किस पे माने, ट्रैवलिंग पे, किस देना 720 रुपए का। एक फैमिली है जो खर्चा करती है कितने रुपए का, फूड पे, ठीक है भाई, कितने का 1800 रुपए का, ठीक है। एक फैमिली है जो खर्चा करती है बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस मान लेते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे कितना 360 रुपए का, नहीं सॉरी थोड़ा बड़ा लेते हैं 720 रहते हैं, 720 रुपए का। इस तरीके से आपको डाटा दे रखा है, ठीक है भाई। हाँ जी, कह रहा है पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट के लिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, देखो सीधी बात है, आपको इसको चेंज करना है डाटा को किसमें, पाई चार्ट के फॉर्म में। अब समझिए चेंज कैसे करते हैं, चेंज करने का बहुत सिंपल सा रूल है। चेंज करने का रूल क्या है, जिस वैल्यू को आपको चेंज करना है उसको ऊपर लिखना है, ऊपर जो भी चेंज करने वाली वैल्यू है उसको लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे हम टोटल, क्या लिखेंगे टोटल। मल्टीप्लाई में आपको वो अमाउंट लेना है जिस चीज में आप चेंज करना चाहते हो। अगर मैं परसेंटेज में चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे परसेंटेज बनाएंगे, अगर मैं पाई चार्ट बनाने के लिए डिग्री की जरूरत होती है, अगर मैं डिग्री में चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिग्री लिख देंगे, सिंपल। जिस चीज में आपको चेंज करना है आप वो वैल्यू डाल देना। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे कि इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल मेरे को पता चल गया 0 6 7 8 9 10 10 का 0 और ऊपर हो गया 6, उसके बाद हो गया 3, मतलब 3600, सिंपल। चलिए अब अगर इसको मेरे को चेंज करना है परसेंटेज में, ये सारी वैल्यू मैं परसेंटेज में चाहता हूँ कि परसेंटेज में आ जाए, तो कैसे चेंज करेंगे, जो चेंज करना है जैसे 360 को चेंज करना है तो उसको ऊपर लिखिए 360 बटे में, आप नीचे लिखिए टोटल, टोटल कितना 3600 मल्टीप्लाई में, किस में चेंज करना है परसेंटेज में ना, परसेंटेज मैक्सिमम होते कितने 100 से ऊपर किसी को परसेंटेज मिलती नहीं, तो बस आप इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ गया। जैसे कि 20 से 20 गई, 36 से काटेंगे तो 10 पे कट जाएगा 36, यानी कि यहाँ पे आ गया 10%, सिंपल। सेम इसी तरीके से अगर आप इसको करना चाहते हो तो कैसे करोगे, जो चीज को चेंज करना है उसको ऊपर, टोटल हमेशा नीचे, 3600 मल्टीप्लाई में, जिस चीज में चेंज करना है परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई, यानी कि 20 से 20 गई, 36 से काट दिया, 2 पे 72 होता है, पे हो गया 20%। सेम इसी तरीके से 50%, सेम इसी तरीके से 10%, टोटल मिला के आपका परसेंटेज का हमेशा 100 आना चाहिए। अगर आपका 100 नहीं आ रहा तो आपने कुछ ना कुछ गलती कर रखी है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल ना इतना, बहुत आसान था ना। हाँ मेरे को पता था तुम होशियार हो, तुम समझ सकते हो, है ना। वो कह रहा है हम भी होशियार है भैया, हाँ मेरे को पता है भाई तुम होशियार हो, मेरे पास पढ़ रहे तो होशियार हो ही, है ना भाई। चलिए इसके बाद हमें किसमें चेंज करना है, इस डाटा को हमें चेंज करना है डिग्री में, क्योंकि हमें मेन तो डिग्री निकालनी है ना, पाई चार्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, पाई चार्ट बनाने के लिए डिग्री चाहिए होती है, सिंपल। पाई चार्ट बनाने के लिए डिग्री चाहिए, अब इस डाटा को डिग्री में कैसे चेंज करें, देखो मैं तो डायरेक्ट भी करवा सकता था डिग्री में चेंज, आप चाहे तो परसेंटेज को भी चेंज कर लो, क्यों चेंज ही तो करना है, चेंज करने वाला फॉर्मूला सिखाई दिया आपको। देखो चाहे मैं बता देता हूँ, जैसे इसको चेंज करना है डिग्री में कैसे चेंज करें, आपको लिखा हुआ है 360, जो चीज चेंज करनी है ऊपर लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं टोटल, टोटल कितना है 3600, मल्टीप्लाई में जिस चीज में चेंज करना है वो लिख दो, मल्टीप्लाई में क्या लिखे भाई, किस चीज में चेंज करना है डिग्री में, और डिग्री का टोटल कितना होता है, डिग्री का टोटल होता है 360 भैया, 360 डिग्री। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो 360 कट गया, बच गया यहाँ पे 10, और 10 से एक जीरो कट गई तो ये कितना आ गया 36 डिग्री, तो बस यहाँ पे पहली वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, सिंपल। जरा आगे चलते हैं, समझो अगली वैल्यू अगर चेंज करनी है तो कैसे चेंज करोगे, 720 बटे में टोटल 3600 मल्टीप्लाई में, जिसमें चेंज करना है डिग्री में, यानी 360 होती है डिग्री, बस हो गया चेंज, इससे ये पूरा कट गया, बच गया 10, जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया 72 डिग्री, बस 72 डिग्री, सिंपल ना। हाँ जी, इस तरीके से आप डिग्री में चेंज कर सकते हो। अच्छा इसको कैसे चेंज करेंगे, ये भी वही सेम, जैसे 10 को चेंज करना है तो 10 बटे में टोटल कितना है, टोटल परसेंटेज हमेशा होती है 100, मल्टीप्लाई में जिस चीज में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करो, तो 360 से मिल पे, बस 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आंसर आ गया 36 डिग्री। देखा 10 का वही आया ना 36 डिग्री, चाहे इससे चेंज करके निकालो चाहे इससे चेंज करके निकालो, सेम आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला भी देख लो, 20 बटे में 100 मल्टीप्लाई में 360, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 36 दूनी कितना हो गया 72, 72 डिग्री आ गया, 72 डिग्री। अगले का करें, अगले का 180 डिग्री आएगा, अगले का कर ले तो अगले का 72 डिग्री आएगा, बस सिंपल खत्म। टोटल आपका 360 आना चाहिए, अगर 360 आ रहा है तब तो सही है, और अगर 360 नहीं आया तो सच बता रहा हूँ बहुत गलत हो जाएगा, मतलब आंसर गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। अब बस आपको इसको डिग्री से आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, मतलब पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, अब कैसे बताऊँ, डी तो लाएंगे
भूल गया भाई वो क्या करते हैं, हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे समझाता हूँ, अगर समझ में आता तो समझ लो भाई ठीक से, देखिए ध्यान से बराबर से। डी मान लेते हैं, ऐसा होता है ये बन गया आपका जीरो, मतलब ओरिजिन, ये हो गया आपका जीरो, इस तरीके से आपको 90 दे देगा यहाँ पे, इस तरीके से आपको 180 दे देगा इधर, ठीक है। हाँ जी, अच्छा दो वैल्यू लिखी होती है ना उसके अंदर, एक तो अंदर वाली एक बाहर वाली, तो याद रखना बाहर वाली वैल्यू नहीं लेनी आपको, बाहर वाली वैल्यू उल्टी लिखी होती है, वो यहाँ पे 180 लिखा होगा, यहाँ पे जीरो लिखा होगा, इधर 90 ही लिखा होगा, वो ऐसे चल रही होगी यहाँ से, बाहर वाली नहीं लेनी, मैं अंदर वाली बात कर रहा हूँ, अंदर वाली वैल्यू देखनी आपको। डी के लिए आपको हमेशा अंदर वाली वैल्यू, खराब ये बनाना आता है हमको, फिर मैं इसका देता हूँ, कुछ बच्चे हैं जो होते हैं शुरू में। तो पहले चीज आपको एक पॉइंट लगाना है छोटा सा यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी पेज, कोई भी रफ पेज ले लिया, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पाई चार्ट, पूरा यहाँ पे बनेगा पाई चार्ट, तो यहाँ पे एक रफ पेज ले लिया और आप वहाँ पे कहीं पे लगा दो पॉइंट, लगा दिया, ठीक। अब ये जो आपका डी है, इसका ये वाला जो पॉइंट लिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, मैं बच्चे गलती क्या करते हैं, डी का ये वाला पॉइंट लगा देते हैं, इससे मिला देते हैं, नहीं इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा, जब आप डी हो गए तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जो उसने दे रखा है पेन से जो लाइनें बना रखी है उन्होंने वहां पे डी के ऊपर, वो वाला पॉइंट इसके ऊपर रखना है, मतलब आपका डी कुछ इस तरीके से रखा होना चाहिए उसके ऊपर, ये पॉइंट होना चाहिए, वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर उन्होंने नोट कर रखा है, यहाँ पे 180 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पे उनका जीरो लिखा हुआ है और इधर वो लिखा हुआ है उनका 90 डिग्री, मैं ये वाला पॉइंट ये वो होना चाहिए, बच्चे यहाँ पे रखते हैं वो पॉइंट, ऐसे नहीं करना, ठीक है भाई। अरे पॉइंट चलिए, तो अब क्या करना है, यहाँ पे रख दिया और कैसे भी डी को रख ले, मर्जी आपकी, आप चाहे मान लो कैसे भी रख लो, कैसे मान लो ऐसे रख लेते आप आराम से, कैसे भी रख लेना, इस तरीके से डी रखा हुआ है, तो जहां पे जीरो होगा ना वहां पे निशान लगा देना, एक तो जीरो यहाँ पे और वहां से आपको कितना लेना था 36 डिग्री, तो आप यहाँ से नोटिस करोगे कि यहाँ से 36 डिग्री कितना जा रहा है, इस तरह बढ़िया, तो यहाँ पे आ रहा है ना, बस ऐसे डी यहाँ पे रखा होगा, तो यहाँ पे लगा देना 36 डिग्री, ये बन गया 36। भाई मैं डी नहीं लेके आया, फिर कभी डी लेके आऊंगा तो समझाऊंगा, या फिर आपने कहीं पे पाई चार्ट यूट्यूब पे देखो वहां पे अच्छे तरीके समझो, मैं यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे पास डी नहीं है, ठीक है, एक बार जाओ बराबर से यूट्यूब पे फिर देखो, ठीक है। हाँ जी, अभी फिलहाल और आपको आता है पहले से पेपर में, इतना सिंपल क्वेश्चन आने के चांसेस है भी नहीं भाई, ना के बराबर है, पिछले 10 साल में केवल एक ही बार पेपर में क्वेश्चन आया है डी में, मतलब पाई चार्ट का, उसके अलावा आया भी नहीं है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे आराम से, होशियार हुआ इतने। चलिए आगे चले, ठीक, वो कह रहा भैया को भरोसा हम पे, अरे हाँ पूरा पूरा बिल्कुल, आगे चले, ठीक। हाँ वापस चलते हैं टॉपिक पे अपने, दूसरी सीरीज, दूसरी सीरीज की बात करी थी हमने, एक होती है क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज होती है, जिसके अंदर 0 से 10 और 10 से 20 जैसा डाटा लिखा होता है, 20 से 30 और 30 से 40 का डाटा, फ्रीक्वेंसी देखिए 2 4 5 9, ठीक है 8 कर लेते हैं, 2 4 5 8, हाँ भाई शुरू है। चलिए, तो जैसे आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, डाटा ये वाला दे रखा है, अब इसमें एक बेयर डायग्राम कैसे कैसे बन सकते हैं तो समझिए, इसके अंदर पहली चीज हम सीख सकते हैं, बार डायग्राम वाला सारा टॉपिक खत्म हो चुका है, अब चलते हैं ये वाला कंटिन्यू सीरीज का, इसमें पहली चीज बनेगी हिस्टोग्राम, दूसरी चीज हम सीखेंगे हिस्टोग्राम विद पॉलीगन, तीसरी चीज हम सीखेंगे पॉलीगन बिना हिस्टोग्राम वाला, लास्ट में हम सीखेंगे ओजाइव। अब कुछ बच्चे इसे ओगिव बोलते हैं, कुछ बच्चे ओजाइव बोलते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है, जो आप चाहो वो बोल सकते हो, भाई मैं ओजाइव बोलता हूँ तो मैं वो ओजाइव बोलूंगा, प्रेजेंटेशन के आपके प्रोफेशन बोलना हो, ठीक है। हाँ जी, तो जो मेरे को समझ में आता है मैं वो बोल पा रहा हूँ, कुछ ओगिव बोलते हैं, कुछ ओजाइव बोलते हैं, कुछ अलग अलग नाम से होते हैं भाई, प्रोनंसिएशन पे डिपेंड करता है कि कैसी किसकी प्रेजेंटिएशन है, प्रोनंसिएशन है ना भाई। चलिए वापस चलते हैं, हाँ, तो पहली चीज आती है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम कितने तरीके होते हैं, तो भाई हिस्टोग्राम भी अलग तरीके बनते हैं, पहला बनेगा हिस्टोग्राम जब नॉर्मल हो, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 0 10 20 30 40, कोई भी वैल्यू लिखी होती है, जैसे 100 200 लिखा हो तो 100 200, अगर आप बीच में से चालू करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 100 और ये लिखा हुआ है 110, ये लिखा हुआ है 110 120 120 130 130 140, ठीक है भाई, अगर ऐसा है तब आपको बीच में से करना पड़ेगा, क्योंकि वरना पहला जो बनेगा डिफरेंस वो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, तो आप देखो ऐसे करोगे, यहाँ पे बनाओगे Z, ठीक है, यानी कि मैं ये ब्रेक कर रहा हूँ डाटा, यहाँ पे और भी डाटा आ सकता है, ज्यादा मेरे को साइज बड़ी नहीं रही, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर आप लिखते हो आराम से ऐसा डाटा का यूज कर सकते हो, 100 110 120 130 और उसके बाद 140 का, सिंपल ना, क्योंकि मैं यहाँ पे डाटा ब्रेक कर रहा हूँ, एकदम से 0 और 100 के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो नहीं मैं इतना नंबर यहाँ पे जाकर 100 बनाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा, इसलिए मैं ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ पे डाटा, और ऐसे बीच बीच में नहीं हो सकता, खाली एक बार हो सकता है बस, यहाँ पे छोड़ते हैं फिलहाल, चालू करते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसी है,
मैं वही मान लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब हमको बनाना है कौन सा डायग्राम, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनता है सर, 100 से लेके 110 पे 2, तो 100 से उठाएंगे 2 पे ले जाएंगे और 110 पे गिरा देंगे, सिंपल। चलिए 110 से 120 पे 4, यहीं से कोई डिफरेंस के साथ नहीं, कोई टाइम नहीं देना इसको, डिफरेंस नहीं देना, 4 पे यहाँ से 4 पे उठाएंगे सीधा लेके जाएंगे और गिरा देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 पे है अगला, 5 पे थोड़ा सा उठाना है फिर सीधा फिर गिराना है। अगले पे 8 पे, अगला 8 पे, 8 पे मतलब गिरा, ठीक है, बढ़िया। 140 पे सिंपल भाई, इसको बोलते हैं सिंपल हिस्टोग्राम। तो अगर हिस्टोग्राम बना रहे हो तो आप आराम से ऐसे बना सकते हो हिस्टोग्राम, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये थोड़ा अनइवन आ जाता है, यानी कि एकदम से कई बार चेंजेस बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्लास इंटरवल दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितना, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 140, देखा वहां पे 10-10 का डिफरेंस था स्टार्टिंग में, लेकिन यहीं पे एकदम से कितना आ गया, 20 का डिफरेंस आ गया। फिर ऐसे 140 से कितना मान ले, कितना माने 170, और फिर 170 से 180। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखा है 2, 4, 6, उसके बाद आपको दे रखा है कितना, 9 मान लेते हैं, उसके बाद दे रखा है आपको 4, ठीक है, इस तरीके से। अब कह रहा है इसका आपको बनाना है क्या, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उसमें डिफरेंस है। अब मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है तो पहले एक बार इसको सेम करो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अलग अलग रहेगी इसमें, तो यहाँ पे ऐसे केस में आपको निकालना पड़ेगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब h, h मतलब बताया था मैंने, L2 माइनस में L1, ये रहा L2, ये रहा L1, माइनस कर दो बस। 110 में से 100 गए 10, अगले में कितना डिफरेंस है, फिर 10 का। 140 में से 20 गए, 20 का डिफरेंस है, इनमें कितना डिफरेंस है, 30 का, अगले में कितना डिफरेंस है, 10 का। सिंपल, आसान था, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब हम निकालेंगे यहाँ पे एच डैश। एच डैश मतलब जितने का डिवीजन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इनमें सब में कॉमन क्या है, सब जो सब में कॉमन आ रहा हो वो है 10 वाली वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें से, सबसे छोटी वैल्यू है ये 10, या फिर कोई और सभी 10 है, कोई भी 10 सबसे छोटी वैल्यू है, उसी से इसको डिवाइड करना है। यानी कि जो भी आपकी वैल्यू है उसको डिवाइड करना है किससे, 10 से। जो भी यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 10 से 10 को डिवाइड किया मतलब ऊपर 10 लिखा तो 1। अब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, इस तरीके से, सिंपल। चलिए अब हम निकाल लेंगे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल डिविएशन कितना है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का डिविएशन कितना आ रहा है। सो मैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ये जो आपका एफ था, एफ को डिवाइड करना है किससे, ये जो आपने एच डैश निकाला था उससे। तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितना आ गया 2। सो मैं 4 को डिवाइड किया 1 से, मतलब 4/1 कितना हो गया 4। 6 को डिवाइड किया 2 से, यानी 6/2 यानी कितना हो गया 3। 9 को डिवाइड किया 3 से 3, और उसके बाद 4 को डिवाइड किया 1 से तो 4। ये आपकी आई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आपको टेबल बनानी है। तो ऐसी कब करना है, जब यहाँ पे जो डेविएशन है या फिर जो मैग्नीट्यूड है वो अनइवन हो, यानी कि जब चलते कभी ज्यादा गैप आ गया, कभी कम गैप आ गया, जब इवन डिफरेंस हो यहाँ पे तब तो आपको ऐसा डायग्राम बना दोगे नॉर्मल, जब अनइवन डिफरेंस हो तब आपको ऐसा करना है। चलिए अब इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, इसका हिस्टोग्राम ब्रेक हो रहा है ना, हाँ जी ब्रेक से बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो पहला था 100, तो यह रहा 100 का, उसके बाद 110, उसके बाद थोड़ा पास पास लेते हैं, हाँ जी ये रहा आपका 110, ये रहा आपका 120, फिर आपका 130, फिर आपका 140, फिर आपका 150, फिर 160, फिर 170, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं उसमें। चलिए 100 से क्या बोलते हैं, यहाँ पे 0 है, 100 से 110 के बीच में कितना है, 2 वैल्यू, तो 100 पे उठाएंगे 2 पे ले जाएंगे, 110 पे गिर गया। 110 से 120 में 4, 110 से उठाएंगे 4 पे लेके जाएंगे और 120 पे गिरना है, ये रहा 120, ठीक है। हाँ जी, मेरे पास स्केल नहीं भाई, वरना वैसे ही बनता, ये पूरा एक साथ बन रहा है, मतलब कि एक ही लाइन है, ठीक है। चलिए उस बाद 120 से 140 पे 3, तो 120 से उठाना है 3 पे लेके जाना है और 140 पे गिरना है, 140 अगला वाला, ऐसा डिफरेंस। तो मैं ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए यहाँ पे है डिफरेंस कितने का, कहाँ गया वापस, हाँ अगर 130 मतलब 120 से 140 मैं बना दूंगा 6, 120 से 140 6 बना दूंगा, उसका मतलब क्या होता है कि 120 और 130 क्लास में भी 6 बच्चे हैं और 130 और 140 वाले में भी 6 बच्चे हैं, नहीं तो, लेकिन यहाँ पे है क्या 120 से 140 के बीच में कितने केवल कितने बच्चे हैं, 6 ही बच्चे हैं, तो आपको 3-3 रखने पड़ेंगे एवरेज लेके उनका, ठीक है। आगे चलता हूँ, अगली बार में 3 बनाना है, कहाँ से कहाँ था, 40 से 70, तो 140 से 70 पे 3, यानी कि 170 पे 3, 140 से 170 था, 170 है, अगले भी बनाना भाई 180 भी है इसमें, ठीक
ठीक है, 170 से 180 पे चार, तो ये चार पे बनाना है, ये बन गया आपका चार पे, सिंपल। इसको बोलते हैं भाई अनइक्वल हिस्टोग्राम, समझ में आ गया? हाँ जी, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में फर्क क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस कोई भी, मतलब बार के बीच में कोई भी डिफरेंस होता नहीं है, और बार डायग्राम में क्या होता है, जो बार के बार होते हैं उनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, सिंपल। बहुत अच्छे, ये आपने सीख लिया कौन सा, बार डायग्राम मतलब हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम सीख लिया। अब आपको सीखना है पॉलीगन, पॉलीगन बहुत सिंपल है, बहुत आसान होता है पॉलीगन बनाना। पॉलीगन क्या होता है, जो भी बार डायग्राम आपने बनाया उसमें कहीं ना कहीं मिड वैल्यू होगी, जैसे ये बार डायग्राम बनाया, इसमें यहाँ पे रही मिड वैल्यू, ये बार डायग्राम इसकी मिड वैल्यू ये रही, इसका बार डायग्राम ये रही मिड वैल्यू, ये रही मिड वैल्यू, तो बस इन वैल्यू को मिड वैल्यू को कनेक्ट कर दो एक दूसरे से, तो इसको बन जाते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीगन। अगली वैल्यू इससे मिला देना नीचे, मतलब जीरो, ठीक है, इसको जीरो से, हाँ जी, इसको बोलते हैं क्या, पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्या होता है, जो भी आपकी वैल्यू है, जैसे कि इसकी मिड वैल्यू कौन सी है, ये रही, इसकी मिड वैल्यू ये रही, इसकी मिड वैल्यू यहाँ पे, और इस पूरे की मिड वैल्यू ये 140 155 पे 155 पे ये रही, और इसकी मिड वैल्यू ये रही, बस आपको इसको कनेक्ट कर देना है, तो इसको बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं इसे, पॉलीगन, ठीक है भाई, हाँ जी, इसको बोलते हैं क्या, पॉलीगन। और वो भी मैंने कौन सा बनाया, पॉलीगन विद हिस्टोग्राम, यानी कि ये हिस्टोग्राम और पॉलीगन दोनों बना रखे, हिस्टोग्राम की हेल्प से हमने क्या बनाया, पॉलीगन, इसको बोलते हैं पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। एक होता है टॉपिक कौन सा, पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, जिसमें हिस्टोग्राम की जरूरत नहीं है, विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है पॉलीगन, तो उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, इसमें पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस खाली मिड वैल्यू निकाल लो, इन दोनों की मिड वैल्यू कितनी है 105, इन दोनों की मिड वैल्यू 115, 120 और उसके बाद 125, उसके बाद 135, 135, ठीक है। अब इसके हिसाब से बना दो डायग्राम, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना माना, पहले वैल्यू देनी है 105, तो 105 कहीं पर ले लो, 105 फिर 115 फिर 125 135, बस डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, 145 इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी मानी है, दो, दो, दो चार छ आठ दस, इस तरीके से, ठीक है। अब बना देते हैं, दो पे क्या रहा है चार, मतलब सॉरी 105 पे दो, 105 पे दो ये रहा पॉइंट, 115 पे चार, 115 पे चार ये रहा पॉइंट, उसके बाद 125 पे पाँच, 125 पे पाँच यानी कि ये रहा पॉइंट, उसके बाद 135 पे आठ, 135 पे कितना आठ ये रहा, ठीक है भाई। तो ये बन गया आपका पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, सिंपल, इसको बोलते हैं पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। अच्छा, कई बार क्या होता है, आप ये नहीं दिखाते उस एग्जाम्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर क्या करेंगे, वो ऐसे बोलेंगे, मतलब कि आपको ये नहीं दिखाना, आपको ऐसे दिखाना है कि ये रहा 100, मतलब 100, ये रहा 110, उसके बाद ये रहा 120, ये रहा 130, ये रहा 140, ये रहा 150, तो आपको मतलब वो भी नहीं बोलेंगे, मतलब कि कई बार बुकों में ऐसे लिखा होता है कि आपको ऐसे दिखाना है 110 100, मतलब जो डाटा है ना वही डाटे की वैल्यू दिखानी है, मिड वैल्यू दिखानी है, तो मिड वैल्यू आप खाली निकाल लेना, ये जो मिड वैल्यू दे रखी है 105, तो आपको पता ही है 100 और 10, 110 के बीच में क्या आता है 105 आता है, तो वही पॉइंट लगा दिया, इन दोनों बीच में क्या आता है ये रही वैल्यू बीच की, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, समझा, डाटा आप ये वाला यूज करते हो और उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पॉइंट लगाना है आपको, ठीक है, मिड वैल्यू पे, समझा क्या, इसको बोलते हैं मतलब कि खाली पॉलीगन, नॉर्मल पॉलीगन, सिंपल। चलिए, एक होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगन में क्या डिफरेंस है, सेम ऐसे ही, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, ये जो आपने कर्व बनाया है ये आपने बनाया बिल्कुल स्ट्रेट, दिख रहा है आपको, मैं स्ट्रेट लाइन से बना रहा हूं, ऐसे जैसे कि स्केल से खींचा हुआ लाइन है, पूरी पूरी स्ट्रेट है ना, हाँ जी। अगर यहाँ पे इसी को आप अगर फ्री हैंड से बनाते हो, क्या बनाते हो, फ्री हैंड से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये जो डाटा लगा हुआ है, मान लेते हैं ऐसे जरा, ठीक है, और इस तरीके से मान लो कोई डाटा, अगर आप मैं इसको ऐसे बनाता हूँ पूरा स्केल से, पूरा इस तरीके से, तो ये तो हो गया पॉलीगन। लेकिन अगर इसी को आप फ्री हैंड से बनाते हो, जैसे कोई डाटा है आपका यही वाला, और ये आपका मान लो फ्री हैंड से बन रहा है, फ्री हैंड से कैसे, ऐसे नॉर्मल हैंड से लहर के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, जब वो फ्री हैंड से बना रहे हो इजिली स्मूथ के साथ, स्मूथनेस के साथ, तब उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर आप शार्पली बना रहे हो उस चीज को, तो वो क्या बनेंगे, पॉलीगन। इतना सिंपल भाई, समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छे, क्योंकि मैं बोल रहा है भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, और आप आराम से समझ भी रहे हो, ठीक है। बस अब लास्ट टॉपिक रह गया ओजाइव, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ओजाइव, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लेना अच्छे तरीके से। ओ, एक चीज बताना भूल गया, हाँ भाई, कई बार एग्जाम से बोलते हैं ना मोड निकालने के लिए, तो ये हिस्टोग्राम की तरफ हेल्प से मोड निकलता है, जैसे मान लो ये वाला डाटा दे रखा आपको मोड, हाँ जी, क्या निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए, तो मोड कैसे निकलता है, मोड मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मीन मिनिमम मोड पढ़ा होगा आपने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इन सब में हाईएस्ट कौन सी है, ये वाली, तो आपको क्या करना है, इसकी ये वाला मतलब पॉइंट इसको मिलाना है इस पॉइंट से, और इसका ये वाला पॉइंट इसको मिलाना है इस पॉइंट से,
जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहीं से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे नीचे, और ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे मोड। क्या बोलते हैं इसे? मोड। इतना सिंपल है। तो हिस्टोग्राम हेल्प करता है क्या निकालने के लिए? मोड निकालने के लिए। आगे चलते हैं मीडियन वाला टॉपिक, समझ में आ गया भाई? थोड़ी सी इंक डाल लूं पेन के अंदर ताकि साफ साफ थोड़ा सा दिखाई दे आपको, है ना? जरा भैया इंक डालने के लिए भी पैसे हमसे लोगे? हाँ मेरे को पता भाई, थोड़ा सा टाइम जा रहा है आपका, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जितने बता दूँ थोड़ी सी प्रमोशन करो, किसी को अगर भाई परचेज करने हो नोट्स वोट्स तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। मेरा भाई आपको मतलब जो मैसेज है वो चेकआउट करेगा, आपको वही नोट्स भेजेगा। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी मिलते नहीं आपको, है ना? अच्छा, इस तरीके से तो आप मेरे भाई से कॉन्टैक्ट करो आराम से व्हाट्सएप पे, नोट्स परचेज कर सकते हो ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो चुके, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे छोटे छोटे टॉपिक पे ताकि आप आराम से कर पाओ क्लियर। छोड़ते हैं फिलहाल, टॉपिक का नाम क्या आता है सर? टॉपिक का नाम आता है ओजाइम। ओजाइम मतलब क्या होता है? अच्छा, इसलिए मिटाना भी पड़ेगा भाई। वो कह रहे हैं भैया आप ओगिफ बोलो, बोल देते हैं सर ओगिफ। चले, तो अगर आपको सीरीज दे रखी है जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल सी लेके चलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 2, 4, 9, 1, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। और वो कह रहा है ओगिव, मतलब ओजीव बनाओ, ओजाइव बनाओ, ओगिव बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो ओगिव होता है। ठीक है, अब ओगिव बनाना है आपको, ओजाइव बनाना है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा समझिए। ये जो एक्सक्लूसिव सीरीज है इससे आपको बनानी पड़ेगी दो सीरीज, एक तो आपको बनानी पड़ेगी लेस देन सीरीज और एक आपको बनानी पड़ेगी मोर देन सीरीज, क्योंकि यही दोनों सीरीज जो होती है वो हेल्प करती है ओगिव बनाने में। चलिए जी, लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज हम बनाते हैं। लेस देन सीरीज, अच्छा यहाँ पे मूव नहीं लिखते, यहाँ पे क्लास इंटरवल ही लिखते हैं, यहाँ पे आता है मोर देन, ठीक है, यहाँ पे आता है लेस देन, यहाँ पे क्लास इंटरवल आता है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। चलिए लेस देन, लेस देन वाले में मैंने बताया ये वाले डाटा लेते हैं, यानी कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ठीक है। और मोर देन वाले में इस साइड वाली लाइन लेते हैं, यानी 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 30 भाई। चलिए अब देखिए क्या करना होता है, लेस देन वाली में स्टार्टिंग वैल्यू कम होती है, लेस होती है, तो दो को वैसे ही सेम रखो और अब प्लस करते जाओ, तो 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 1 16, खत्म। मोर देन में, मोर देन में स्टार्टिंग वैल्यू मोर होती है, यानी लास्ट वाली वैल्यू छोटी रहेगी, तो लास्ट वाली वैल्यू सेम लिखो इसके अंदर लास्ट में, यानी कि 1 का 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 2 ये हो गया 16, सिंपल इतना, बहुत अच्छे। अब अपने मोर देन और लेस देन दोनों सीरीज बना दिए, अब इन सीरीज की हेल्प से आप बनाओगे हो जाएगा 0, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट गई है 16 तक, तो वैसे ले चलते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे 0, सर 0 तो पहले ही हो चुका है भाई, 10, 20, 30, 40, 50, आगे की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझिए 50, ये इंपॉर्टेंट है भाई, समझो। लेस देन सीरीज बनाते हैं, पहले लेस देन 10 पे कह रहा है 2, तो 10 पे ले जाओ 2, ये बन गया आपका पॉइंट। दूसरा 20 पे 6, तो 20 पे 6 ये रहा पॉइंट, ठीक है। 30 पे 15, 30 पे 15, 15 कहाँ पे होगा? ऊपर पूरा, ये रहा 15। अगले पे 40 पे 16, ये रहा 16, सिंपल। इसको बोलते हैं लेस देन, हो जाएगा ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में लेस देन हो जाए हमेशा क्या होता है? छोटा, इसलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है, इसलिए लेस देन हो जाए जो स्टार्टिंग में लेस होता है। इसमें मोर देन हो जाए क्या होता है? जो स्टार्टिंग में मोर होता है, स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, तो 0 पे कितना बनाना है? 16, तो 0 पे 16 ये रहा मोर देन हो जाए। 10 पे कितना? 14, 10 पे 14 ये रहा 14। 20 पे 10, 20 पे 10, 10 से मतलब ये रहा। 30 पे 1, 30 पे मतलब 1 ये रहा, बस इसको बना दो मिला दो, ठीक है भाई। हाँ जी, ये कौन सा बन गया? ये बन गया मोर देन हो जाएगा, सिंपल था, मोर देन हो जाएगा, ये बनते हैं लेस देन और मोर देन हो जाएगा। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वहीं से सीधी लाइन खींचना, वहां पे जो पॉइंट बनता है ना उसको हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन, सिंपल भाई, इतना समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे।
मुबारक हो। यहाँ पे खत्म हो गया आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पूरा पूरा, इससे ज्यादा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में और कुछ पूछ भी नहीं सकता। और बाकी अगर कुछ पूछता भी है तो इस फ्रीक्वेंसी की जगह, मतलब कि एक्सक्लूसिव सीरीज की जगह वो इंक्लूसिव सीरीज दे देगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंक्लूसिव सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करना, एक्सक्लूसिव से फिर मोर देन और लेस देन में चेंज करना, और फिर आप ओजाई बना सकते हो। या फिर इस सीरीज की जगह वो आपको दे देगा मिड वैल्यू सीरीज, और मिड वैल्यू सीरीज को आप आराम से चेंज कर सकते हो एक्सक्लूसिव में। मैं कल वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाओ और देख के आओ, समझे। हाँ जी, तो आप आराम से देख सकते हो, और इसको चेंज करना है फिर आपको मोर देन और लेस देन में, और आराम से फिर बना सकते हो आप, हो जाएगी। सिंपल भाई, इतना कोई दिक्कत तो नहीं भाई ना। मेरे को पता था बहुत इजी टॉपिक है भाई, बहुत आसान टॉपिक है, इससे ज्यादा इजी तरीके से समझा भी नहीं पाएगा कोई, इतने आसान तरीके से समझा दिया, बहुत आसान टॉपिक था, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देख चुके हो तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई, अगर आप पहले से कर देते ना तो सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। अगर आपने पहले तो नहीं कर रखा या अभी भी नहीं किया तो कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है यार, अरे कोई आफत नहीं आ रही है, अब बाद में कर दिया आराम से, हम भी यही हैं आप भी यही हो, समझे। हाँ, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। अच्छा भाई, और एक थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी सर, अगर आपका कोई भी एग्जाम हो जाए तो एक थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो, हमारे लिए भी, बाकी बच्चों के लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अगर आपका कोई भी एग्जाम हो जाए कंप्लीट तो ना मैं एक ईमेल आईडी देता हूँ, इस पर भेज दिया करो, ताकि जो बच्चे, मतलब तैयारी करता हूँ मैं, जो बच्चों के लिए बनाता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। इसमें विवेक दुनिया नू दे देते हैं, विवेक इकोनॉमिक्स 1@gmail.com, समझे, ये रहा विवेक इकोनॉमिक्स 1@gmail.com। अगर आपकी, सॉरी इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक्स, विवेक इकोनॉमिक्स 1@gmail.com। तो अगर आपका कोई भी क्या बोलते हैं वो हो जाए, तो मतलब कोई भी एग्जाम आपको मिल जाए DUSR की तरफ से, तो आप इस नंबर पे, मतलब इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो पार्ट्स टीयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो डाल पाए। सिंपल सा, चलिए, बाकी तो जरूरत नहीं है अब, उतना मिल जाते हैं कोई ना कोई पेपर तो, ठीक है, ऑनलाइन मिल ही जाता है। अगर आप डांट दोगे तो फिर सच बता रहा हूँ दिल से खुशी मिलेगी मेरे को, ठीक है। आज बस एक PDF बना के तैयार करके आप इस नंबर पे मेल करना है, ताकि आपके पास भी डाटा पड़ा रहेगा, हमारे पास भी डाटा पड़ जाएगा, ठीक है। आपके पास भी वो PDF हमेशा आपके लिए पड़ी रहेगी मेल पे, हमारे पास भी पड़ी रहेगी, ताकि आपके भाई बहनों को कोई जरूरत होगी ना आने वाले टाइम पे तो उनको मिल पाएगी। जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार होता है, मेरे को लगता है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ, है ना भाई। या फिर आप जो नोट्स परचेज करते हो उसमें मिल जाते हैं आपको कई बार, है ना भाई, तो इस तरीके से आपको मिल सकते हैं आराम से। चलिए, फिलहाल यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा चैप्टर, ठीक है। अगर आपको नोट्स परचेज करना हो तो जाके खरीद लेना, मतलब ना खरीदना हो वीडियो सीरीज तो मिल ही आपको, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने नोट्स खुद बना सकते हो आप। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, इसमें क्या नोट करोगे यार, ठीक है, बाय बाय। Oh, 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 oh